देश और प्रदेश में जो राजनीति करते हैं जो लोग, उनको अपनी बात पर अड़िग रहना चाहिए। हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, जो वादे निकलते हैं, जनता उस पर विश्वास करती है। और राजनीति में विश्वास बहुत जरूरी है। जब विश्वास खत्म हो जाता है तो फिर कोई वोट, कोई संतरी मंत्री, पक्ष विपक्ष, सत्ता, कोई मतलब नहीं। विश्वास कायम करने के लिए सिर्फ भाषण नहीं, हमें अपनी करनी में दिखाना है, अपनी कलम की शाही से दिखाना है कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं। और तब ने संकल्प हम लोगों ने लिया था और आरोप हम लोगों ने लगाए थे कि राजस्थान में स्वच्छ राजनीति हम लोगों को चाहिए। छल कपट की राजनीति, भ्रष्टाचार से लिप्त राजनीति, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे। हमने सड़कों में, गलियों में, खेतों में, मंचों पे भाषण दे देकर कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और हम लोगों ने कहा था, वसुंधरा जी की सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। विपक्ष में रहते हुए हम लोगों ने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम लोग इसकी जांच भी करवाएंगे। मैंने बहुत कोशिश करी, अनुरोध किया, आग्रह किया, चिट्ठियां लिखी, लेकिन आप और हम सब जानते हैं जो प्रभावी कार्रवाई उन भ्रष्टाचार के मामलों पर होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। जिनके खिलाफ भाषण देकर, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर हम लोगों ने वोट लिया था, हमें वो वादा भी पूरा करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच होनी चाहिए, इस मांग को लेकर मैंने एक दिन का अनशन किया था। मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने शालीनता से, विनम्रता से सिर्फ इस बात को मांगा था और आज भी मांग रहा हूं। अभी हफ्ता हो गया है, कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार, करप्शन, आर्थिक अपराध करने वाले वो लोग जिन्होंने गलतियां की थी, और बार बार कहा जाता है हर गलती सजा मांगती है, जांच होनी चाहिए, सबूत मिले तो कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान को एक ईमानदार और स्वच्छ राजनीति देने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और ये संघर्ष, ये संकल्प कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा। भाई मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने कोई लांछन नहीं लगाया, मैंने कोई किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। मैंने बड़ी शालीनता से कहा कि जो हमने आपने वादे किए थे उन्हीं को पूरा कर दो, क्योंकि चुनाव सर पर है। जैसे गौड़ा जी ने कहा, ये 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस की जो परिपाटी बनी है पिछले 35 सालों में, इसको अगर रोकना है, इसको तोड़ना है, अगर दोबारा जनता की सेवा करने का मौका हम लोगों को चाहिए, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जनता का विश्वास हम लोग जीत सके।